हेलो दोस्तों, आज स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। उस स्टॉक के आज नतीजे आए हैं और नतीजे कैसे रहे और इसकी एडीआर में आज कितनी बड़ी हलचल है, जिसको जान की शेयर धारक को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की दूसरी वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल देख के समझ ही लिया होगा, जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस स्टॉक का नाम है विप्रो। जैसा कि आप जानते हैं, आज इस स्टॉक के रिजल्ट आए और नतीजे कैसे रहे हैं, चलिए आपको एक झलक दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विप्रो के क्वार्टरली रिजल्ट है। जो आप देखेंगे, जून से लेकर दिसंबर में कहीं ना कहीं इसके क्वार्टरली रिजल्ट में हल्का फुल्का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फायदा हुआ है। जून में 4,200 के आसपास, सितंबर में अराउंड 3,770 के अराउंड हल्का कम हुआ था, वही दिसंबर में हल्का इसका जो पैट है बढ़ के आया है, 4,200 के अराउंड आया है। तो हल्की फुल्की हमें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ोतरी देखने में मिल रही है, जो कुछ खास नहीं है। वहीं अगर हम इसके सेल्स की बात करें, तो सेल्स आप देख सकते हैं 22,800 के आसपास थी जून में, वो बढ़ते बढ़ते 22,500 हो गई, लेकिन दिसंबर में हल्की फुल्की हमें कम देखने को मिली है, 22,200। लेकिन गाइज, अगर आप को मार्केट से कंपेयर करिए, मार्केट को ये अनुमान था कि जो इनका दिसंबर का भी क्वार्टर है वो कुछ खास नहीं रहेगा, वो भी बल्कि कम ही आएगा, वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो कम आया है। लेकिन एज मार्केट एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं ज्यादा आया है, और वो ज्यादा थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा आया, तो उस चीज को मार्केट एक बार ही रिएक्ट जरूर करता है। और वहीं अगर आप इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2,886 था जून में, जो थोड़ा बहुत सितंबर में कम हुआ 2,667 के आसपास, और हल्का फुल्का बढ़ते हुए आया 2,700 इस दिसंबर के क्वार्टर में। ये थे इसके क्वार्टरली रिजल्ट। वहीं अगर आप इसके ईयरली रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, तो ईयरली रिजल्ट में आप क्या देखेंगे, सेल्स में अच्छी खासी हमें बढ़ोतरी होती रही है, जो 2023 से अब तक की अगर हम देखें तो कुछ खास भी नहीं है, 300-400 करोड़ के आसपास की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे, तो 16,684 से ये थोड़ी बहुत बढ़ के ज्यादा आई है। वहीं अगर आप इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जो हल्का फुल्का हमें कमी होते देखा है नेट प्रॉफिट में, हमें अगर आप नोटिस करेंगे तो हल्की फुल्की गिरावट ही देखने को मिली है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट को ये अनुमान था कि इसके अंदर जो प्रॉफिट है, जो सेल्स है, वो और भी ज्यादा मात्रा में कम होने की उम्मीद थी, लेकिन वो कम नहीं हुई है, वो अच्छी खासी बढ़ोतरी होने को देखने को मिली है। लेकिन जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, आज विप्रो के एडीआर में आज 17% की तेजी है। तो कहीं ना कहीं मंडी को इसका इम्पैक्ट आपको इस शेयर के अंदर देखने को मिलेगा। और एक बारी मैं आपको इसका टेक्निकल व्यू दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये विप्रो का टेक्निकल चार्ट है, और इस चार्ट में आप क्या देख रहे हैं, इसमें एक राउंडिंग बॉटम लग रहा है, और ये राउंडिंग बॉटम आप अगर नोटिस करेंगे, जो तकरीबन इस राउंडिंग बॉटम का टॉप बनता है, वो अराउंड बनता है 600 रुपए का, जो मुझे लगता है आने वाले समय में ये शेयर आपको बेच सकता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मंडी को तुरंत जाकर खरीद लीजिएगा, अभी ऐसा इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है। जो शेयर धारक जिसने ले रखा है, वो कम से कम इसको 600 रुपए पे निकाले। ये शेयर ऐसा है जो बहुत स्लो चलता है, आपको कोई बहुत तगड़ी तेजी नहीं दिखाएगा, आपको कई बार हो सकता है रुला भी देगा, लेकिन जो शेयर धारक इसमें लेके बैठे हुए हैं, उनको इसमें बने रहने की मैं राय दूंगा, और उनको थोड़ा सा लंबा नजरिया रखेंगे तो मुझे लगता है 600 को भी तोड़ के ऊपर जा सकता है। लेकिन वो हम बात करेंगे इसके आने वाले क्वार्टरली के रिजल्ट कैसे हैं। तो ये थी मेरी विप्रो को लेकर राय। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।